हे गाइस, क्या हालचाल। आज आपको बताऊंगा कैसे काफ़ी आसानी से आप अपने किसी भी रियलमी या ओप्पो फोन के अंदर ओरिजिनल iOS इमोजीज को इंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए ना तो आपका फोन रूट करना होगा और ना कोई एंड्रॉयड वर्जन का रिक्वायरमेंट है। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन 6 से लेकर एंड्रॉयड 12 तक है तो आपके फोन पर इजिली ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इमोजी अप्लाई करने के बाद फोन का जो टाइम है वो 30 मिनट फास्ट हो जाता है, तो कैसे इस टाइमिंग इशू को भी फिक्स करते वो भी आपको बताऊंगा। सो वीडियो स्किप मत करके पूरा देखना, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि हम इस टाइप्स के रियलमी और ओप्पो रिलेटेड वीडियो डालते हैं। और ज्यादा बात हम नहीं करते दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट पर इस एप्लीकेशन का लिंक पिन करके रख दूंगा, तो आप पहले डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इसको इंस्टॉल भी कर लेना है। अभी बोल सकते हो आपका 90% काम खत्म हो गया है। अभी बस आपका जो फोन है उसके सेटिंग पैनल पर आना है और चले जाना है अबाउट फोन पर। अबाउट फोन पर क्यों आना है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अबाउट फोन पर आके आपको चेक करना है आपके फोन का जो एंड्रॉइड वर्जन है वो क्या है। चेकआउट करने के बाद आपका जो सेटिंग का मेन पेज है इधर आना है। देन अगर आपके फोन का जो एंड्रॉइड वर्जन है वो एंड्रॉइड 11 या एंड्रॉइड 12 है, इन दोनों वर्जन अगर होगा तो आपको जाना है सिस्टम सेटिंग्स के अंदर। देन इधर आपको लैंग्वेज एंड रीजन का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको टैप करना है। नीचे आपको रीजन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करना है। देन इधर बहुत सारे कंट्री का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, इनमें से आपको म्यांमार कंट्री सिलेक्ट करना है। म्यांमार कंट्री मेरे फोन पर पहले इधर देखने को मिल रहा है लेकिन आपके फोन पर नहीं होगा, तो यह जो सर्च बार आप देख पा रहे हो इस पर टैप करके आपको सर्च करना है MY। टैप करने के बाद आपका जो म्यांमार कंट्री है वो मिल जाएगा, आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के साथ ही साथ दोस्तों आप जैसे देख पा रहे हो नीचे एक नया ऑप्शन आ गया है सपोर्ट डाई कैरेक्टर नाम से। अभी आपको बस इस ऑप्शन को एनेबल कर देना है। जब भी आप ऑन कर दोगे आपका काम 100% कंप्लीट हो गया है, आपका जो इमोजी है वो दोस्तों आ जाएगा। अभी अगर आपके फोन में एंड्रॉयड 9 या फिर एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको कैसे करना है बताता हूँ। आपका अपना फोन का जो सेटिंग है उस पर आके जाना है सिस्टम सेटिंग्स पर, और सेम ऐसे ही लैंग्वेज एंड रीजन और रीजन ऑप्शन से आपको म्यांमार सिलेक्ट कर लेना है। म्यांमार सिलेक्ट करने के बाद अगर एंड्रॉयड 10 या फिर 9 होगा तो यह जो सपोर्ट डाई कैरेक्टर ऑप्शन है वो आपको इधर देखने को नहीं मिलेगा। तो रीजन यहाँ से चेंज करने के बाद आपका जो सेटिंग का मेन पेज है इधर आना है, और आपको जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग पर। देन इधर वो सपोर्ट डाई कैरेक्टर ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो कि रीजन चेंज करने के बाद आएगा, तो आप इधर से उसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद ही दोस्तों आपके फोन का जो इमोजी है वो एंड्रॉइड वर्जन से iOS वर्जन पर कन्वर्ट हो जाएगा। प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अभी देख पा रहे हो हमारे जितने भी एंड्रॉइड का इमोजी था वो सारे के सारे iOS इमोजीज पर कन्वर्ट हो गया है। अगर सपोर्ट डाई कैरेक्टर ऑन करने के बाद भी आपके कीबोर्ड पर ये इमोजी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है अभी आपको बताता हूँ। आपको अपने प्ले स्टोर खोलना है, देन सर्च करना है जीबोर्ड। सॉरी मैं स्पेलिंग थोड़ा गलत डाला। तो यह जीबोर्ड आने के बाद दोस्तों आपको इसको अपडेट करना है। अपडेट होने के बाद ही आपका जो इमोजीज था वो आ जाएगा। और अगर आप जीबोर्ड छोड़कर कोई दूसरा कीबोर्ड यूज करते हो तो आपको जीबोर्ड ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो इमोजीज है वो आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या आप इन सारे इमोजीज यूज करके इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल सकते हो। तो मैं इंस्टाग्राम पर आ गया, अभी मैं इस पर टैप करूंगा और जाऊंगा इमोजी ऑप्शन पर, और मनपसंद कोई भी iOS का इमोजी मैं अभी ऐड करूंगा। देन आप जैसे देख पा रहे हो मेरा जो इंस्टाग्राम स्टोरी का पेज इस पर परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है हमारा जो iOS का इमोजी है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, ये जो इमोजी है वो सिर्फ डिफॉल्ट फॉन्ट पर काम करता है। इंस्टाग्राम पर काफी सारे फॉन्ट अवेलेबल है, जब भी आप कोई दूसरे फॉन्ट पर स्विच करोगे तो आपका जो इमोजी है वो नॉर्मल एंड्रॉइड इमोजी हो जाएगा। तो अगर आपको iOS इमोजी यूज करके स्टोरी डालना है, आपका जो पहला फॉन्ट है इंस्टाग्राम का डिफॉल्ट फॉन्ट, इसको सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। और ये हो गया हमारा इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट। अभी इमोजी तो आपके फोन पर आ गया। इमोजी के साथ आपको और एक छोटा सा प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा, वो ये है कि आपका जो टाइम है वो 30 मिनट फास्ट हो जाएगा या 30 मिनट स्लो हो जाएगा। तो आप इस टाइमिंग इशू को कैसे फिक्स कर सकते हो, आपको अपने फोन का जो सेटिंग है उस पर आना है, जाना है सिस्टम सेटिंग के अंदर। हाँ, और एक बात, ये जो सिस्टम सेटिंग है वो एंड्रॉइड 11 यानी रियलमी UI 2.0 के अंदर एडिशनल सेटिंग के नाम पर है। तो अगर रियलमी UI 2.0 यूजर हो आपको जाना है एडिशनल सेटिंग पर, और UI 3.0 यूजर हो तो आपको जाना है सिस्टम सेटिंग्स पर, ठीक है। देन जाना है डेट एंड टाइम, देन इधर से सेट ऑटोमेटिकली का जो ऑप्शन है इसको आपको टर्न ऑफ करना है, देन फिर से ऑन करना है। ऑन करने के साथ ही साथ आप जिस भी कंट्री पर रहोगे आपका जो कंट्री का ओरिजिनल टाइम है वो टाइम आपके फोन पर आ जाएगा।
अगर इन सारे iOS इमोजी अनइंस्टॉल करके अगर आपको एंड्रॉइड इमोजी बैक लाना है तो वो कैसे करें, उसके लिए आप अपने फोन का जो सेटिंग पैनल उस पर आइए, देन सिस्टम सेटिंग, लैंग्वेज एंड रीजन, और इधर से सपोर्ट बाय कैरेक्टर ऑप्शन आप ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के साथ ही साथ आपका जो नॉर्मल एंड्रॉइड इमोजी था वो वापिस बैक आ जाएगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो रीजन आपने म्यांमार सिलेक्ट किया इसको म्यांमार पर ही रहने देना है। अगर आप इमोजी चेंज करने के बाद रीजन चेंज कर देते हो तो आपका इमोजी भी नॉर्मल एंड्रॉइड जैसा हो जाएगा। बस ये था का वीडियो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बाकी आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।